नमस्कार, सुप्रभात। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में कोरोना को बढ़ते रफ्तार के बीच आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय में 50% उपस्थिति की अनुमति रहेगी। रेस्टोरेंट और ढाबे 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में 50 व्यक्ति शामिल होने की अनुमति होगी। शादी समारोह में डीजे और बारात की इजाजत नहीं होगी। पार्क, जिम और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं बिहार में शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। बाहरी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति दी गई है। 6 जनवरी से 20 जनवरी तक 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे, तो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 50% छात्रों के साथ खुलेंगे। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हुआ है। सभी प्रकार के मेले और प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और इस पूरी खबर पर अरुण चौरसिया हमारे से होगी लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, आज से नाइट कर्फ्यू और लगातार कोरोना के जो बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, चिंताएं बढ़ी हुई है। किस तरीके की पाबंदियां आज से होंगी और इन पाबंदियों का असर आम जनजीवन पर कितना पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से आम जनजीवन पर इसका असर पड़ेगा। और ये जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग भीड़ भाड़ में ना जाएं। भी चूँकि ये जो संक्रमण है, कोरोना का संक्रमण है, अगर एक व्यक्ति कोई संक्रमित होता है और वो दूसरे के संपर्क में आता है, तो दूसरे के भी संपर्क होने की, कोरोना के संक्रमित होने की आशंका ज़्यादा रहती है। यही वजह है कि जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको बंद कर दिया गया है। और नाइट कर्फ्यू, हालांकि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही और आम गतिविधि काफ़ी कम होती है, लेकिन ये नाइट कर्फ्यू जो है वो प्रतीकात्मक रूप से होती है, ये बताने के लिए कि हमें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें मंदिर, जो भी धार्मिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य स्थल, उसके साथ ही जो पार्क है, जो अन्य स्थल है, सिनेमा घर है, उसको बंद कर दिया गया है। चूंकि यहाँ जब भी, अगर सिनेमा हॉल की बात करें, तो जब भी शो शुरू होता है या फिर खत्म होता है, तो बड़ी संख्या में लोग एक साथ अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं, जिससे संक्रमण की आशंका बनी रहती है। यही वजह कि ऐसे स्थलों को बंद कर दिया गया है। और आम लोगों से ये अपील की गई है कि कोरोना की गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, लेकिन इस संक्रमण के खिलाफ संघर्ष में आम लोगों को सहयोग देना जरूरी है। आम लोगों को भी अलर्ट रहना जरूरी है। मास्क को अनिवार्य किया गया है, और इस मास्क अगर लोग नहीं पहनेंगे, तो अभी इससे पहले भी अपील की जाती थी कि लोग मास्क पहनकर निकले, लेकिन अगर आज के बाद मास्क पहनकर नहीं निकलेंगे तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है और उन्हें परेशानी भी हो सकती है बीच सड़क पर। इसके साथ ही जो दूसरे अन्य गाइडलाइन है, उसको भी पालन कराने के लिए पुलिस और जो प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं या जो दूसरी एजेंसी है, वो जो है आज से इस गाइडलाइन को पालन कराने के लिए सख्ती भी कर सकती है। ऐसे में हमारी अपील है, कशिश की भी अपील है कि आम लोग अपना काम करें, लेकिन जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका भी पालन करें। अभी तक जो कोरोना की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हर काम किया जा सकता है, जो भी आवश्यक है, चाहे कोई अपना नौकरी करने जाना हो या घर का काम हो या बाजार का काम हो, हर वो काम किया जा सकता है इस गाइडलाइन का पालन करते हुए। तो ये जरूरी है कि गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। न सिर्फ आम लोग बल्कि कई वीआईपी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कल ही जो रिपोर्ट आई है, उसमें सरकार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही कई मंत्री और कई बड़े अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि गाइडलाइन का पालन करें, तभी जो है कोरोना का संक्रमण कम हो सकता है। अगर अभी लापरवाही बरती गई तो ये विस्फोटक रूप ले सकता है। और उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले दो संक्रमण काल में जिस तरह से लोगों के जान माल की हानि हुई, तो इस तरह की जान माल की हानि ना हो, इसके लिए हमें सतर्क रहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण। तो अरुण बता रहे थे कि किस तरीके से इस नाइट कर्फ्यू और तमाम जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी और सतर्क रहने की जरूरत है।